हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक यू अप। में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक शॉर्ट वीडियो विच इज़ स्पेशली फॉर विंटर सीरम। जी, हम लोग इसको विंटर सीरम बोल सकते हैं क्योंकि विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, हमको बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये सीरम अगर हम लोग यूज़ करते हैं डेली रूटीन में हमारे, तो हमको ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़, इसको सिर्फ अपने फेस पे या अपने हाथ पे नहीं, आप अपनी फुल बॉडी पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्किन टोन को डल होने से बचाएगा। जैसा कि विंटर सीजन में हमारी स्किन टोन वन शेड लाइटर हो जाती है, तो उससे ये हमको बचाएगा। सेकेंड थिंग, हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए चाहिए एक बाउल। मैंने यहाँ पे ग्लास का बाउल लिया है, आप इसकी जगह एक प्लास्टिक का बाउल भी ले सकते हैं। सेकेंड, एक स्पून, मैंने यहाँ पे इस प्लास्टिक वाला छोटा वाला स्पून लिया है। सेकेंड, अब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे। हमको यहाँ पे एक छोटा चम्मच लेमन ऐड करना है। जो मैंने छोटा चम्मच लिया है, प्लास्टिक वाला स्पून जो मैंने लिया है, वही वाला स्पून मैं एक लेमन यूज़ करूँगी यहाँ पे। वही एक टेबल स्पून ऑफ लेमन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। सेकेंड, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रोज़ वाटर। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डाबर का रोज़ वाटर लिया है, आप कोई भी रोज़ वाटर यहाँ पे ले सकते हैं। और इसको हमको फिर से उतनी ही क्वांटिटी में डालना है, 1 टेबल स्पून। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है हमारा ग्लिसरीन। मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन लिया है, इसको हमको डबल क्वांटिटी में डालना है। लाइक हमने एक एक स्पून यहाँ पर लेमन जूस और रोज़ वाटर लिया है, हमको यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन लेना है। तो हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसको हमको करना है बहुत अच्छे से मैश। जितना अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रहने में और स्किन का जो कलर है उसको डल ना होने देने में हमारी हेल्प करेगी। ओके, सो हमने इसको बना लिया है। आप इसको बना के फॉर 1 मंथ स्टोर कर सकते हैं। आप इसको अपने बेड के बाजू में रख लीजिए। आप नाइट में सोते टाइम को पे आपको सिर्फ अपना फेस वॉश करना है, हैंड वॉश करना है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मॉर्निंग में आफ्टर बाथ भी आप इसको फुल बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो सन रेज से ही आपकी स्किन को एक लाइट होने से बचाएगा, आपके स्किन कलर को जाने नहीं देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी दादी नानी के नुस्खों वाली कुछ वीडियोस लेके आ सकूं। तब तक के लिए